अच्छा दोस्तों, आपने डीएनए का नाम तो सुना ही होगा और उससे भी अधिक डीएनए टेस्ट के बारे में तो आप सभी लोगों ने सुना ही होगा, क्योंकि ज़्यादातर इनका यूज़ फिल्म सीरीज़ में इनका जिक्र किया जाता है। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा भी है कि ये डीएनए होता क्या है और डीएनए किसे कहते हैं और डीएनए से क्या होता है, डीएनए कौन सी रिपोर्ट है और क्या है? इन सब के जवाब भारतीय डिजिटल यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आप सभी को देने वाले हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए आपकी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, लेट स्टार्ट द वीडियो अगेन। तो सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं कि ये डीएनए क्या है और ये कहाँ मिलता है। तो दोस्तों, हमारा शरीर सेल से लेकर बना हुआ होता है, यानी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, और हमारे शरीर के लगभग हर कोशिका में डीएनए यानी जेनेटिक कोड पाया जाता है, और सिर्फ आरबीसी यानी रेड सेल्स में ही नहीं बल्कि ये डीएनए ही हमारी हमें पहचान देता है। और हमारा जो डीएनए इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है, वो इसीलिए होता है कि इसमें जो हमारे डेवलपमेंट, हमारे ग्रोथ, प्रोडक्शन जैसे कार्य मौजूद होते हैं। और जो डीएनए का फुल फॉर्म है, डीऑक्सीराइबोज एसिड होता है, और ये नाइट्रोजन चारों से मिलकर बना हुआ होता है। और इंसानों में पाए जाने वाले डीएनए लगभग 3 मिलियन बेसिस पाए जाते हैं, और डीएनए का लगभग 99% हर इंसान के अंदर सिमिलर होता ही है। और जो हमारे शरीर के जो डीएनए होते हैं वो इतने लंबे होते हैं कि हमारे शरीर से, हमारी पृथ्वी से, सूर्य से 300 गुना भी पार कर सकते हैं, इतने लंबे होते हैं डीएनए। डीएनए एक घुमावना सीढ़ियों जैसा प्राकृतिक बनाता है, जो कि जंजीरों जैसा अकड़ा हुआ रहता है, और इसे जैसे डबल हेलिक्स भी कहा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो डीएनए में चार बेसिस पाए जाते हैं, जो हमारा पहला है 89A, साइटोसिन सी, और ग्वारिन जी, और थायमिन टी, और ये डीएनए बेसिस को सीक्वेंस डीएनए भी कहा जाता है। और अब हम जान लेते हैं कि जो डीएनए है, डीएनए की खोज किसने की, जो हमारा महत्वपूर्ण है कि डीएनए की खोज किसने की, इसलिए हम आपको वो बताते हैं कि डीएनए की खोज किसने किया है। और इससे पहले हम जान लेते हैं कि जो इसकी खोज हुई वो कब हुई। ये लगभग 1869 यानी 1869 में जोमन बायोस ने इसकी खोज की, क्योंकि 1869 में। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आई। यदि पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आने वाला हूँ तो चैनल पर बने रहिए। और चलिए मिलते हैं।